आज के टाइम में गुड़गांवा, द्वारका, रोहिणी, नोएडा, इन सब जगह को कौन नहीं जानता। एक टाइम ऐसा भी था यहाँ पर प्रॉपर्टी इतनी सस्ती थी कि कोई भी वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता था। आप भी कुछ साल पहले कहते होंगे ये प्रॉपर्टी मैं खरीद सकता था, मेरे पे इतना पैसा था। आज वही प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि मैं खरीद सकता था, वह आज के टाइम में नहीं खरीद सकते। कुछ साल पहले जो आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी देखी थी, वही प्रॉपर्टी आज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ से कम नहीं है, क्योंकि वहां पर फैसिलिटी इतनी आ चुकी है। हर चीज़ आपको मॉल, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ आपको वहां पर मिल जाती है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। नरेला आज के टाइम पे वो जगह है कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। यहाँ आज आपको 6-7 लाख रुपए में फ्लैट मिल जाता है डीडीए का। वही टाइम आज कुछ साल बाद इनके साथ भी आने वाला है। यहाँ मेट्रो आ जाएगी, मॉल आ जाएंगे, कॉलेज यहाँ है, और भी कॉलेज आने हैं, स्कूल यहाँ काफ़ी अच्छे हैं, और भी स्कूल आने हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी की चीज़ की कमी आपको आने वाले समय में नहीं मिलने वाली। यही 7-8 लाख रुपए का फ्लैट आने वाले कुछ साल में 25-30 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यहाँ के जो LIG फ्लैट है, रोहिणी द्वारका की बात करें तो 50 लाख रुपये मतलब से कम नहीं मिलते वहाँ पर LIG फ्लैट, और यहाँ आपको 12 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं। MIG की बात करें, रोहिणी के अंदर 1 करोड़ से कम नहीं मिलता, और नरेला के अंदर 40 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं। HIG की बात करें, नरेला के अंदर आपको 80 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो जाते हैं, और रोहिणी की बात करें तो 1.5-2 करोड़ रुपए से कम आपको HIG फ्लैट नहीं मिलता। ये सारी फैसिलिटी आने के बाद यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। आप भी कहोगे यहाँ मैं ले सकता था, उस टाइम पे मैंने नहीं लिया, पैसे की बर्बादी मैं नहीं करना चाहता था। जिन्होंने उस टाइम पे पैसों की बर्बादी कर ली होगी, वो आने वाले कुछ साल में उनका लाभ उठा के 5-6 गुना रेट पर बेच भी पाएंगे और उन फैसिलिटी का लुत्फ़ भी उठा पाएंगे। जिन्होंने आज के टाइम में नरेला के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच लिया है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर नरेला आने वाले टाइम का सबसे टॉप पर जाने वाली जगह है, मतलब कोयले में से निकलने वाला हीरा है नरेला। तो आज ही आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद ले, आने वाले समय में यहाँ आपको प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलने वाली है, क्योंकि फैसिलिटी हर जगह आती है, जब नहीं होती तभी आपको इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है। एक नरेला ही एक ऐसी जगह रह गई है जहां पर आपको 7-8 लाख रुपए में आज भी सुनने को मिलता है कि यहां पर आपको DDA का जनता फ्लैट मिल जाता है। प्री होल्ड प्रॉपर्टी है सारी ही, और फाइनेंस हो जाता है। यहाँ पे सिंगल स्टोरी फ्लैट भी है, DDA के प्लॉट्स भी हैं, बिल्डर फ्लोर भी मिल जाते हैं, कॉलोनी भी यहाँ पर काफ़ी सस्ती है, किसी भी तरफ आप जा सकते हैं। मगर आने वाले टाइम में यहाँ पर हर चीज़ महंगी होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई, आप भी चाहते हैं इस टाइम पर यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना, आज से 5-10 साल बाद यहाँ जो प्रॉपर्टी है 4-5 गुना रेट बढ़ जाएंगे, मेट्रो आ जाएगी, बहुत सारे कॉलेज आ जाएंगे, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आज ही वो समय है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का, अपना घर खरीदने का। और यहाँ पर DDA के पुरानी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो 25-30 लाख पुराने फ्लैट है, नए फ्लैटों की बात करूँ तो 25-30 लाख नए फ्लैट है। तो नरेला के अंदर 50-60 हज़ार फ्लैट DDA के नरेला के अंदर है, इतने ही आने वाले समय में और आएंगे। तो यहाँ दिल्ली की सारी आबादी यहीं आनी है। यहाँ पर तिलक बाज़ार है, फ्रूट मंडी है, सब्जी मंडी है, हर चीज़ नरेला के अंदर आनी है, ISBT आना है, मेट्रो आनी है। तो यही वो समय है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने बच्चों को नरेला ज़रूर लेकर आए। आने वाले 5-10 साल बाद आप यहां पर भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे।
आज ही आपके पास समय है नरेला के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने का, तो जरूर खरीदे नरेला के अंदर प्रॉपर्टी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, उन तक पहुंचाना जो दिल्ली जैसे शहर के अंदर अपने बच्चों को एक नया भविष्य देना चाहते हैं, किराए की जिंदगी से आजाद होना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को वो हर फैसिलिटी देना चाहते हैं जो आप दूसरों की देखते हैं, अपने घर का सपना जरूर पूरा करें, चाहे फाइनेंस करवाएं या कैश है तो कैश दे के लिए फाइनेंस करवाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। वहाँ पर किराया भर रहे हो 10,000, 15,000, 20,000, यहाँ इतनी ही EMI भर दो, वहाँ पर आपको हर साल किराया बढ़ा के देना पड़ता है, आपकी EMI उतनी ही रहेगी, 10-15 साल बाद वो चीज़ भी आपकी हो जाएगी, वो किराया आपको उल्टा नहीं मिलेगा मगर ये पैसा जरूर आपको उल्टा मिलेगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, उन तक पहुँचाना जो दिल्ली जैसे शहर के अंदर रहते हैं और अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो।